इस बीच गिरिडीह से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पेट्रोल पंप के कार्यालय में लाखों रुपए की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। शहरी क्षेत्र के भंडारीडीह स्थित केसर सर्विस स्टेशन में चोरी की बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। पेट्रोल पंप संचालक भूपेंद्र सिंह के अनुसार सुबह लगभग 5 बजे कार्यालय खोलने पर उन्होंने देखा कि चोरों ने पीछे की खिड़की का ग्रिल काटकर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चोरी की घटना को अंजाम देते हुए चोरों की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पेट्रोल पंप संचालक के अनुसार चोरों ने गल्ले में रखे हुए कुल 2,73,348 रुपयों की कर ली है चोरी। शहर के बीचों बीच चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर चोरों ने पुलिस प्रशासन को दिया है खुलेआम चुनौती। घटना के बाद मामले की तफ्तीश में जुटी है नगर थाना पुलिस, कहा अपराधी जल्द होंगे कानून के शिकंजे में। पेट्रोल पंप मैं 5 बजे खोलने के लिए आया तो देखा कि ऑफिस का जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि पीछे से खिड़की का ग्रिल कटा हुआ है। उसके बाद हमने अपना काउंटर चेक किया तो उसमें सारा कैश गायब था। फिर हमने अपना सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें एक आदमी नज़र आ रहा है जो कि खिड़की से घुसा है और आराम से वो चाबी निकाला और गल्ला से सारा पैसा निकाल के ले गया। कितने की चोरी? कितना की चोरी? 2,73,348 रुपया। ये इसी गल्ला में यहीं पे था पेट्रोल? जी हाँ, गल्ला में था। सेकंड टाइम का पूरा सेल था। क्या नाम आपका पूरा है? भूपेंद्र सिंह। कौन पंप का? केसर सर्विस स्टेशन।